3,500 नौकरी, 7.5 लाख आवेदन, युवा 4 साल के लिए भर्ती होने के लिए तैयार है कि नहीं? संजय जी खुश तो बहुत होंगे आप कि नहीं? खुश नहीं है, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। देश के 17 साल से लेकर 23 साल के बीच के युवा राजनीतिक अत्याचारों से बचते हुए, हथकंडों से अपने आप को निकालते हुए, गुमराह के रास्ते पर न जाते हुए जो विपक्ष का षड्यंत्र था, जो युवाओं को भड़काने का काम और युवाओं को पथ भ्रष्ट करने का काम कर रहे थे, सारे भड़का रहे थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो 2.5 साल से खाली बैठे हुए थे घर पर, जो रोज सुबह शाम तपती दोपहरी में दौड़ रहे थे, जिनके पैरों में छाले पड़ गए, उनके पास मौका क्या था? क्या मौका था? अगर वो फॉर्म नहीं भरते तो करते क्या? आगे कुआ पीछे खाई, करे तो करे क्या मेरे भाई? ये युवाओं को हतोत्साहित करने वाला लैंग्वेज है। नहीं नहीं नहीं, तपती दोपहरी में क्या आपने उनको दौड़ लगाते हुए नहीं देखा? मैंने क्या गलत बोला इसमें? 5 लाख IAS की तैयारी करते हैं, 5 लाख IAS की तैयारी करते हैं, क्या हर कोई IAS बन जाता है? अपने जीवन का पल पल बिता देते हैं IAS की तैयारी में, बाहर में ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं या वकालत कर रहे होते हैं, क्या हर व्यक्ति बन जाता है? सरकारी नौकरी पर बढ़ता हुआ भरोसा शायद इसका बहुत कारण रहा होगा। सदन के पटल पर इसी साल सरकार ने क्या कहा? सरकार ने बताया ना, 8,72,000 पद हमारे यहाँ खाली पड़े हुए हैं, यही तो कहा सरकार ने, जो नौकरी पद खाली पड़े हुए हैं, और पूरे देश में 7,45,000 पद खाली पड़े हुए हैं। मैं तो नहीं बता रहा ना, ये तो आप ही ने बताया, सरकारी नौकरी पर बढ़ता भरोसा है। और ये रिक्त पद किसी सरकार की देन नहीं है, ये रिक्त पद विगत 15-20 वर्षों से चलता आ रहा पद है, ये नेहरू जी की देन है। आज कोई आज रिक्त पद नहीं हुआ है। एक सेकंड करेक्ट करते हैं, आपने 10 लाख नौकरी का जिक्र किया है, 8,72,000 आपके पद खाली पड़े हैं, यानी 1,28,000 नौकरी आप सृजित करेंगे, आई एम राइट? सिर्फ 1,28,000 एकदम, यही हुआ ना इसका मतलब? तो देखिए स्वरोजगार और नौकरी आप जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ युवा है तो 20 के 20 करोड़ युवा सिर्फ सरकारी नौकरी करे? किसने क्या कहा? प्राइवेट नौकरी नहीं किसने है कहा? क्या एक बार सुनिए, क्या देखिए चावला जी ये भी आंकड़ा बताइए कि इस देश के अंदर 34 करोड़ मुद्रा लोन गया है, 34 करोड़ में कम से कम 10 करोड़ तो रोजगार कर ही रहा होगा, अगर 20 करोड़ भी 24 करोड़ भी मान लीजिए बर्बाद हो गया होगा, नहीं रोजगार कर पाया होगा, तो 34 करोड़ में से 10 करोड़ तो रोजगार कर रहा होगा। अगर आप हकीकत जानना ही चाह रहे हैं मुद्रा लोन की, जी मैं वो भी बता देता हूं, 34 करोड़ लोगों को आपने मुद्रा लोन दिया, इनमें से शिशु लोन कहा जाता ना, शिशु लोन, यानी शिशु लोन का मतलब होता है 50,000 से कम वाले, कितने? 97% लोग, है ना? और ये आंकड़ा, यानी कि 27,000 रुपए आपने जिनको दिए, उनमें सबसे ज्यादा यही आंकड़ा है। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपको यह भी बताना चाहिए कि आपने जो मुद्रा लोन 34 करोड़ का दिया लोगों को, उनमें से 35,000 करोड़ एनपीए हो चुका है, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, ठीक है, एनपीए हुआ कि नहीं ये भी तो बताइए। 35, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एनपीए का ये मतलब नहीं होता कि पैसे डूब गए, एनपीए का ये मतलब होता है कि अभी उनका व्यापार इस लेवल तक नहीं पहुंचा कि वो सरकार को पैसे वापस कर सके। अच्छा, जब पहुंचेगा वापस कर देंगे। अच्छा। और सरकार भी जानती थी कि हम जो नए बच्चों को पैसा दे रहे हैं, जो काम करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उसमें कितना प्रतिशत वापस आएगा, ये सरकार जानती थी। 2021 की मैं एक रिपोर्ट रख रहा हूं आपके सामने, क्यों ये बात बेरोजगारी की हो रही है, मैं कुछ आंकड़े आपके अब सामने रख रहा हूं संजय जी, इस बात को समझिएगा। आपने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इतने आए आंकड़े और ये देश के लिए शुभ संकेत है। 2021 की रिपोर्ट, वर्किंग एज आपने क्योंकि जिक्र किया 15 से 22 साल की उम्र का, मैं उसी वर्किंग एज रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। 2021 रिपोर्ट ये कहती है, वर्किंग एज 15 साल से ऊपर वाले सिर्फ 43% के पास रोजगार है। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं, अब समझिएगा आगे, सरकार के आंकड़े कहते हैं, सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े,
सरकार के आंकड़े कहते हैं 15 से 29 साल के हमारे युवा बेरोजगारी की समस्या से जो जूझ रहे हैं वो है 13 फीसदी। यानी ये देश की आबादी जो आबादी के हिसाब से 28% हो जाता है। तादाद बढ़ी, नौकरी कम हुई। अब सुनिएगा आगे, सीएमआईई के आंकड़े कहते हैं कि 15 से 19 साल के युवा सिर्फ 4% के आसपास नौकरी पा रहे हैं, सिर्फ 4%। 2019 का आंकड़ा, 2017 में मालूम है कितना था, 7%, जो घटके हो गया 4%, और 2020 में यह घटके हो गया महज 2%। यानी आगे कुआं पीछे खाई, कहां कूदोगे मेरे भाई, फॉर्म नहीं भरोगे तो क्या करोगे। 2% आंकड़ा, यह आंकड़ा मेरा नहीं है साहब, यह सीएमआई का आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और जिन युवाओं का आप जिक्र कर रहे थे उन्हीं युवाओं का आंकड़ा है, सिर्फ 2%। संजय जी अब आपकी बारी, बोलो जी। आप चावला जी, सिक्का का एक पहलू दिखाकर सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र में शामिल हो आप सुनो आज, अच्छा, ये बात भी रखो। नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पर कितना परसेंट गया संजय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, पर कितना परसेंट गया संजय जी, क्या आपने ये आंकड़ा बताया कभी चावला जी, सरकार को गिराने के, सरकार की अस्तित्व को कम दिखाने के लिए जो आंकड़ा लाते हो वो भी जोड़ के बताओ, षड्यंत्र के हिस्सा में शामिल है ये, खुलेआम कह रहा हूँ मैं खुलेआम कह रहा हूँ। एक एंकर चैनल में बैठ के राष्ट्र विरोधी हरकत करता है तो अच्छी बात नहीं है।